श्वेता, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, क्या उसमें कुछ अभी कमी देखने को आई है या फिर अब इतनी ज्यादा ठंड तो नहीं होगी जितनी सुबह 5 या 6 बजे होती है? अब लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं या कर चुके हैं? मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्नान जो है रात में 1 बजे से ही शुरू हो गया था। जो दूर दूर से लोग आए हैं वो 1 बजे से स्नान करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। 3 बजे भी लोग आ रहे थे, कर रहे थे स्नान। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो संख्या हमें देखने को मिली वो उगते हुए सूर्य के समय, यानी कि जब सूर्योदय हो रहा था उस समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो थे वो स्नान कर रहे थे। अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक परिवार हमारे साथ है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। और लगभग कितना कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? 35 साल हो गया हमें आते हुए। आप 35 साल से यहाँ आते? हाँ, लगातार नहीं आते, जिम्मेदारियाँ रहती नहीं आते, फ्री हैं तो आते हैं। लेकिन ये बताइए कि आस्था कितनी है इस जगह? गंगा माता जी की कृपा तो आप लोग भी जानती हैं, माँ गंगा जी की कृपा बहुत बड़ी है। उनको हम लोग को आस्था बहुत ज्यादा है। लगभग हम तो बचपन से ही आ रहे हैं, हमको लगभग हो गए 25 साल से। 25 साल से? हाँ, छोटे थे, 4-5 साल से ही दादी उदी नहाती थी, कलवास करती थी, तभी से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो यानी कि आप ये भी समझती होंगी कि कल्पवास क्या होता है और उसकी महिमा क्या है? अरे, कल्पवास की तो बहुत ही ज्यादा महिमा है। यहाँ रह करके गंगा जी की गोद में नहाने से हर तरह की कष्ट से दूरी हो जाती है। भगवान गंगा की कृपा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। माँ की तो जानती हैं आप लोग कि गंगा जी की कृपा बहुत बड़ी होती है। आपने ये अभी मुझे बताया था कि आप बचपन में अपने माता पिता के साथ आती थी और अब आप अपनी सासू माँ के साथ आए हैं। पहले दादी दादा यहाँ कल्पवास किए थे 14 साल तक, उनके साथ हमेशा रहना करना सब कुछ करते थे और उसके बाद शादी हुई, माताजी को भी नहलाने लगे। अच्छा, आपकी बच्ची है? हाँ। क्या नाम है आपका? अद्विका सिंह। अद्विका सिंह, अद्विका, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो? यस। इनको भी आते 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए, आप ये सेकंड टाइम आए हो आप यहाँ पे? यस। तो अभी स्नान करने जाना है? यस। ठंड नहीं लगेगी? नहीं नहीं लगेगी। अभी हमें तो बहुत ठंड लग रही है, दिल्ली में बहुत ठंड होती है, उसके बाद भी हमें यहाँ पे ठंड लग रही है, आपको नहीं लगेगी ठंड? नहीं। अच्छा, तो जय गंगा मैया एक बार बोल दो। जय गंगा मैया। तो ये हर परिवार में शुरू से इस तरह की आस्था रही है, क्योंकि देखिए जो दूर दूर से लोग आते हैं, हमने देखा, हमने कई लोगों से बात की, श्रद्धालुओं से, तो उनको तो लगता है कि त्रिवेणी में आना और यहाँ पर आकर के एक बार दर्शन ही हो जाए तो उसी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर किस तरह की भावना है? कि आप तो खुद ही संगम नगरी में रहते हैं। जी, है आस्था माता जी के लिए, तो काफी आस्था, आप देख भीड़ को ही देख के आप जान सकती हैं कि कितनी श्रद्धालु लोग कितना उनके पे विश्वास करते हैं। गंगा माता की तो कृपा बहुत बड़ी है और इसमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे रह करके पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना, ये सब चीज हम लोगों के सनातन धर्म में मिलता है गंगा जी के कृपा से। ये सब चीजें हैं माँ गंगा जी में। तो अभी आप लोग इंतजार कर रही हैं बोट से, आप लोगों को वहाँ संगम जाना है। संगम जा करके फिर वहाँ पे स्नान करेंगे, सबको नहलाएंगे, फिर लेके जाएंगे। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की भी। और एक बार तस्वीरें मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन मदन प्रसाद से दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से अभी भी श्रद्धालु जो है उनका आना जो है वो जारी है। अभी हम जिस तरफ है वहां पर ज्यादातर लोगों ने स्नान कर लिया है, मकर संक्रांति का स्नान हो चुका है सुबह सुबह, क्योंकि देखिए सुबह सुबह ही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो स्नान किया जाता है सबसे ज्यादा फलदायी वही होता है।